तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और उनको पढ़ने का बहुत ही शौक है, इल्मों को सीखने का बहुत शौक है, लेकिन दोस्तों इनके पास ना कायदा है ना टोपियाँ हैं। तो इंशाल्लाह कल मैं इनके लिए टोपियाँ भी लेके आऊँगा और कायदे भी लेके आऊँगा और इंशाल्लाह कल से इनको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। हमारे नबी का नाम क्या है बेटा, तू बोल, बोलो। हमारे नबी का नाम अभी मैंने सिखाया, बोलो बेटा, चल तू बोल। शाबाश। अव्वल कलमा सुना बेटा, पहला कलमा आता है तुझे? सुना है कभी पहला कलमा? नहीं सुना? तूने सुना है कभी पहला कलमा? पहला कलमा क्या होता है पता है? नहीं पता किसी को? अच्छा, हम कौन है? मुसलमान। कौन है हम? मुसलमान। हमारा लिबास कैसा होना चाहिए? शरीयत के मुताबिक जो हमारे नबी ने बताया उस तरह हमारा लिबास होना चाहिए। अल्लाह कितने हैं? एक। कितने हैं अल्लाह? एक। हमको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। किसने? अल्लाह ने। अल्लाह एक। और हमारे नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर देख, तो रोजाना मदरसे आ जाएंगे सब? आ जाएंगे ना मदरसे? रोजाना मैं पढ़ाने आऊंगा, रोजाना मदरसे आ जाएंगे सब? हाँ, टाइम पे आ जाने का, 8 बजे मदरसे आ जाने का सबको। और हम क्या सीखेंगे? इल्म सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कुरान शरीफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कुरान शरीफ। अल्लाह के नबी की बातें सीखेंगे, दीन की बातें सीखेंगे, अल्लाह ने जो हुक्म बतलाया है वो सीखेंगे। हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है? इबादत करने के लिए। क्यों? खाने पीने के लिए नहीं, इबादत करने के लिए। क्यों? खाना पीना तो है लेकिन इबादत भी अल्लाह की करनी है। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो इसकी इबादत तो करनी पड़ेगी ना, नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजे रखने पड़ेंगे, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलना पड़ेगा, अल्लाह के नबी ने जो बातें बतलाई उस पर अमल करना पड़ेगा, अल्लाह ने कुरान में जो बताया उस पर अमल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे, मदरसा पढ़ेंगे, अल्लाह का कुरान सीखेंगे। सीखेंगे ना सब? कल से सब मदरसे आ जाएंगे ना? ठीक है इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और उनको पढ़ने का बहुत ही शौक़ है, इल्मों को सीखने का बहुत शौक है। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर एक बस्ती है और बहुत ज़रूरतमंद है और गरीब बस्ती है, सब खानाबदोश लोग हैं, बहुत टाइम से यहाँ रह रहे हैं और इल्म की यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है। बच्चों को ये तक पता नहीं कि हमारे नबी कौन है, अल्लाह कौन है, हमारा लिबास क्या होना चाहिए, हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब बच्चे हैं, कम से कम 10 से 15 बच्चे हैं और ये सब पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोस्तों इनके पास ना कायदा है ना टोपियाँ हैं। तो इंशाल्लाह कल मैं इनके लिए टोपियाँ भी लेके आऊँगा और कायदे भी लेके आऊँगा और इंशाल्लाह कल से इनको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा।